बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रूव दैट जीरो टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ तक भी क्वेश्चन सेंड किया गया था। इसके बाद हमें देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी दूसरी एक और भी होती है, उसको हम इसको इंक्लूड कर दे रहे हैं, इसमें शामिल कर देते हैं। एंड टू ज़ीरो टू टू ए यानी यही फंक्शन है पूरा, ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगी वैल्यू, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर एफ टू एक्स टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो ज़ीरो वैल्यू होगी, और ये टू ए यानी अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करके लिखें तो वही फंक्शन वापस आ जाए जो यहाँ पर है, तब तो इसकी वैल्यू होगी टू टाइम्स, और लिमिट ज़ीरो से टू ए मतलब था तो ए हो जाएगी, हाफ़ हो जाएगी, लिमिट हाफ़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ये एफ एक्स के बराबर होता है। अगर माइनस एफ एक्स है तो यही वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आएगी। इसको हमें प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम जो जिसको लेफ्ट हैंड साइड में है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है ज़ीरो टू टू ए प्रूव करना है एफ एक्स डी एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट को हम लोग को पार्ट्स में बांट सकते हैं, यानी ज़ीरो टू ए, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है यहाँ पर ज़ीरो से वो लाना है, और प्लस फिर ए से शुरुआत करेंगे और ख़त्म होगी जहाँ पर ये अपर लिमिट है टू ए, यानी ज़ीरो से टू ए इसको पार्ट में बांट सकते हैं, और ये जो है वो सेम रहेगा दोनों में एफ एक्स डी एक्स और एफ एक्स ये जी। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नंबर अलग अलग होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं कि फ़र्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये प्रॉपर्टी के नाम है। बस ये ध्यान रहे कि लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट ये हो, और बीच वाला जो है वो इन दोनों के बीच में हो, यानी ज़ीरो और टू ए के बीच में। हम लोग जानते हैं ए होता है तो ये सेम होना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम कुछ इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर वन डाल के यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे, यानी मान लेंगे कि जो अपर लिमिट टू ए माइनस एक्स है वो ये जो वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, उसको हम एक नया वेरिएबल टी ले लेते हैं, टी के इक्वल है, और ये वैल्यू हम सेकंड इंटीग्रल के लिए फोकस रहेगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो देखेंगे सेकंड इंटीग्रल अगर हम ये लिमिट ये रिलेशन ले लेते हैं एक्स और टी के बीच में, तो हमारा ये सेकंड इंटीग्रल किस फार्म में चेंज होगा। तो फिर हमें अगर हम ये लिमिट ले लेते हैं तो देखते हैं कि डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है और एक्स का डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा। मीन्स हम यहां पर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स यहाँ पर माइनस डी टी रख देंगे, और फिर हमें इस लिमिट को भी चेंज करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग लिमिट अब टी की होगी, क्योंकि हम वेरिएबल को टी में बदलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू भी पुट करना होगी, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। उसके लिए हम x को राइट हैंड साइड में और t को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके इसको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट, तो यानी यहाँ से हम इसको लिखना चाह रहे हैं, तो इसको t को उधर ले जाएंगे तो 2a माइनस टी हो जाएगा और इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, और dx एक्स यहाँ पर ये पुट कर देंगे और फिर लिमिट और रहेगी। तो जब रिलेशन हमको मालूम है t की वैल्यू जो है वो 2a माइनस एक्स के इक्वल है, जब x की वैल्यू यानी वैन x इक्वल टू a होगा तब t क्या होगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस, देर फोर टी इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पर a रखेंगे तो t की वैल्यू भी a के इक्वल आ जाएगी, यानी जब x a होगा तो t की वैल्यू भी a होगी, यानी लोअर लिमिट अगर a है तो अपर लिमिट भी सॉरी तब ये टी की जो वेरिएबल की वैल्यू है ए होगी, क्योंकि हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, अभी एक्स है फिर टी में आ जाएगा।
फिर अपर लिमिट यानी वैन एक्स इजिकल टू हम 2a रखेंगे, तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए यानी एक्स की वैल्यू 2a रखेंगे, 2a माइनस 2a करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि अपर लिमिट जो होगी फिर ज़ीरो में बदल जाएगी अगर हमने इस वेरिएबल का यूज़ किया है यानी इस रिलेशन का यूज़ किया है। तो देखेंगे हमारा ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यानी a टू 2a एफ एक्स हमारा dx इतना था, और फिर जब हमने देखा कि वेरिएबल को हमने चेंज किया तो x की जगह पर हमने 2a माइनस t रखा, तो ये dx की वैल्यू हो गई माइनस dt, और लिमिट यहाँ पर a हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट ज़ीरो हो गई। इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें उसके बाद हम यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल की ही दूसरी एक प्रॉपर्टी का यूज़ करें, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज करने पर माइनस साइन आ जाता है, यानी a टू v एफ एक्स डी एस ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं यानी लिख देते हैं, तो माइनस हो जाता है अगर हम अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर करेंगे। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का अगर यूज़ करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही थी यानी a टू 2a एफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो ये था लेकिन हमने जब लिमिट को इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी लिमिट 0 टू a हो जाएगी एफ 2a माइनस t इंटू डी टी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं वो है कि फंक्शन वही हो और वेरिएबल आपका कुछ भी हो यानी t है तो बस लिमिट भी सेम होना चाहिए। तो आप चाहे यहाँ पर x लिखें या t लिखें कोई फेक नहीं पड़ता, तो इस प्रॉपर्टी का डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर t की जगह पर x कर देंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई है 0 टू a एफ 2a माइनस x डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं, putting this value from equation 2 in equation 1. equation 1 में ये value हम put कर देंगे equation number 2 से, तो equation number 1 में हमारे पास left hand side में था 0 to 2a fx integration 0 to 2a fx dx, और right hand side में था 0 integration from a to 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और सेकेंड जो टर्म था उसकी वैल्यू इसके बराबर थी। देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हॉर्स में हमने ये वैल्यू पुट कर दी यानी 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देना चाहिए और इसके दो केस बन जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दो केस लिए थे जो प्रूव करना था, यानी जब एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो हमें ये प्रूव करना है, और जब एफ 2a माइनस एक्स फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस ही हमसे पूछा गया था लेकिन हमने यहाँ पर दोनों बताया ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लें। तो केस फर्स्ट हम सबसे पहले लेते हैं, तो इफ़ एफ 2a माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो जब एफ एक्स के बराबर हो जाएगी तो हम इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो अगले स्टेप में अगले पेज पर हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में था लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू फर्स्ट टर्म 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिखने हैं विदाउट एनी चेंज, प्लस जो सेकंड टर्म है ये, तो उसमें हम देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, ये वैल्यू बताई गई है ये एफ एक्स के बराबर हो जाती है तो इसको हम एफ एक्स के बराबर रख देंगे यहाँ पर, बाकी जो लिमिट 0 टू a हो चुकी है और डी एक्स, और देख रहे हैं ये सेम क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको ऐड करके लिख देंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये लिमिट देख रहे हैं कि आधी हो चुकी है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, और ये हम देख चुके थे कि ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब एफ 2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पर हम उसके सेकंड ले लेंगे, केस सेकंड लेते हैं, तो केस सेकंड में हमने ये लिया था कि एफ
टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के एफ एक्स हो जाए तब क्या होगा, तो ये वैल्यू हम रख देंगे पुटिंग दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर थ्री जो हमने अभी लिखा था उसमें ये वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन नंबर थ्री पीछे देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में उसका था जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, और प्लस सेकेंड टर्म है जीरो टू ए लिमिट थी, और हम यहाँ पर इस एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू सेकेंड केस में माइनस का एफ एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, डी एक्स लिखा हुआ था, माइनस साइन इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस साइन जो होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग देखेंगे ये टर्म तो पॉजिटिव और जो दूसरा वाला जो टर्म है सेम वैल्यू है वो निगेटिव, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है, कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज़ीरो टू टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। इस और ये हमको दोनों पार्ट प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।